और मैंने जनता के साथ कोई धोखा नहीं किया। मैंने एक साल तक बिना सत्ता से उनको समर्थन दिया। लोकल भाजपा में मुझे स्थान नहीं दिया जा रहा था। भाजपा को मैंने समर्थन एक साल तक दिया था। एक साल तक सरकार नहीं बननी थी और नहीं बनेगी करके मुझे पता था कि असली भाजपा की रैली वो ही कही जाएगी जिसे मान्यता हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, वरिष्ठों ने आदेश दिया है कि यही जिला अध्यक्ष रहेंगे, यही सब पदे रहेंगे। उसके बाद भी वो आदेश को न मानना तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। ये पार्टी के वरिष्ठों का नजरिया है, उन्होंने कब एक्शन लेना है वो तय करें, समय बताएगा। ये बहुत जल्दी है इस बात पे चर्चा करने के लिए, 2024 बहुत दूर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे सिटी न्यूज मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र राज्य के विधान भवन में। अमृत महोत्सव तिरंगा रैली मीरा भाईंदर में जो निकाली गई थी, उसके बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और विधायक गीता जैन से हमने बात की थी, जिसके बाद मीरा भाईंदर की राजनीति में एकदम गर्माहट आ गई थी। जिस तरीके से स्थानिक लोग और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने विधायक गीता जैन को सवाल के कटघरे में खड़ा किया था, उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे, इस संदर्भ में हमने विधायक गीता जैन से बात की। उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमें जवाब दिया है। आइए देखिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट। इस वक्त में महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में है, अधिवेशन चल रहा है और विधायक गीता जैन यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे मीरा भाईंदर की लोकल राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है उस संदर्भ में कहेंगे, क्योंकि कल नरेंद्र मेहता ने कहा था कि अगर गीता जैन भाजपा ही है तो वो अपने कार्यालय में कमल का फूल क्यों नहीं लगाती। मुझे लगता है नरेंद्र मेहता भी 5 साल विधायक रह चुके हैं और उनको ये सब रूल्स पता होंगे ही, लोगों को भ्रमित करने के लिए जो कुछ कहा जाए, क्योंकि एक अपक्ष आमदार 5 साल तक कोई भी निशानी नहीं वापर सकता, ये उनको भी पता है और इसीलिए लोगों को भ्रमित ना करे कुछ भी कह के, ये मेरी तरफ से उनको सुझाव है। जिस तरीके से मीरा भाईंदर में रैली निकाली गई थी, रैली को भी कंपेयर किया गया था और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, क्या लगता आपको कि उन्होंने भाजपा में रहकर शक्ति प्रदर्शन किया कि भाजपा उनके कब्जे में आज भी? देखिए, शक्ति प्रदर्शन मैंने मेरी अपील में भी कहा था कि हमने जो रैली निकाली वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, अपने देश के प्रति सम्मान बताने का ये अवसर है और बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मान के साथ हमारे साथ रैली में हिस्सा लिया। अब ये दावा करे कि उनका ज़्यादा था या मेरा ज़्यादा था, मैं ये सोचूं कि देशभक्ति का कोई नाप नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। जितने दो लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से निकाली वो रैली कही जाएगी, वो सुंदरता से इसीलिए कही जाएगी कि हमें जो प्रदेश से आदेश आया, प्रदेश अध्यक्ष और सभी मंडल के पदाधिकारियों के साथ हमने वो रैली निकाली थी, इसलिए मैं ये कहूँगी कि असली भाजपा की रैली वो ही कही जाएगी जिसे मान्यता हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। अगर दोनों एक साथ मिला के निकालते तो शायद इतिहास बनता? बिल्कुल बनता, लेकिन शायद उनकी ये इच्छा नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि हमारी ये शर्तें मानेंगे तो ही हम ये मानेंगे, ये उनकी शर्तें हैं, जबकि ऐसी कोई शर्तें इसमें होती नहीं है। मैं बार बार देवेंद्र जी का उदाहरण देती हूँ कि नेताओं की इच्छा, वरिष्ठों की इच्छा को वो आदेश मानते हैं, तो यहाँ तो वरिष्ठों ने आदेश दिया है कि यही जिला अध्यक्ष रहेंगे, यही सब पते रहेंगे, उसके बाद भी वो आदेश को न मानना तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। नहीं, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मेहता के साथ महापौर, उपमहापौर और इतनी बड़ी संख्या में नगर सेवक उन्हीं को अकेले को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बहुत मायने रखती है। व्यक्ति और पार्टी इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, अगर आपकी नज़र में वो गलत है तो? देखिए, ये पार्टी के वरिष्ठों का नज़रिया है, उन्होंने कब एक्शन लेना है वो तय करेंगे। हमें जो सूचना मिलती है उतना काम हम करते हैं और ये हमारा काम है। अब वो अपने दिल से अगर इसको पार्टी नहीं मानते हैं तो वरिष्ठों के साथ वो बैठे और उसकी बात को क्लियर करें। हमें डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश से जो जो प्रोग्राम आते हैं हम उस पर अमल करते हैं और वो प्रोग्राम हम हमारे एरिया में वो करते हैं। रहा तिरंगा रैली या ये, ठीक है, तिरंगा रैली देश का सामान्य नागरिक भी कर सकता है, उन्होंने भी की, ठीक है, उनकी इच्छा थी, उन्होंने की, कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल है मीरा भाईंदर की आम जनता का, ये मेरा अपना नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, कि आप अपक्ष विधायक बनिए, निर्दलीय विधायक बनिए, तुरंत आपने भाजपा को समर्थन दिया, देखा भाजपा की सरकार नहीं बन रही, महाविकास आघाड़ी बन रही तो आपने शिवबंधन बांध के शिवसेना ज्वाइन कर लिया, फिर वापस आपने देखा कि भाजपा की सरकार बन रही, फिर भाजपा ज्वाइन कर लिया। कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि गीता जैन में विश्वसनीयता नाम की कोई चीज़ है या नहीं? देखिए, भाजपा को मैंने समर्थन एक साल तक दिया था। एक साल तक सरकार नहीं बननी थी और नहीं बनेगी करके मुझे पता था।
मेरे भाजपा का छोड़ने का कारण भी यही था कि वहाँ लोकल भाजपा में मुझे स्थान नहीं दिया जा रहा था, न मुझे किसी भाजपा के कार्यक्रम में बुलाया जा रहा था, न किसी भाजपा के मीटिंग में बुलाया जा रहा था, और न भाजपा मुझे सपोर्ट कर रही थी मेरे वहाँ शहर में कोई काम करने के लिए। तो मुझे जनता को काम देना है, जनता ने मुझे चुन के इसलिए दिया है कि मुझे शहर का विकास करना है, शहर के लिए काम करना है। जब एक पार्टी का साथ नहीं मिला, और मैंने पार्टी वरिष्ठ को इस बात का संज्ञान दिया था कि मुझे वहाँ से लोकल साथ नहीं मिल पा रहा है और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, आप अगर हमें बिठा के इस बात का संज्ञान ले और कहीं ना कहीं उनको ये आप हिदायत करें कि उन्हें भी उसी पार्टी में स्थान दीजिए, तो कहीं ना कहीं मैं और भी भाजपा में रुक सकती थी। और ये बात मैंने बाकायदा ऊपर दिल्ली तक भी लेटर लिख के कही, और मैंने जनता के साथ कोई धोखा नहीं किया। मैंने एक साल तक बिना सत्ता से उनको समर्थन दिया था, और आज भी जब ये आपको भी मालूम है जो घटनाक्रम हुआ, उसमें फडणवीस जी के एक बुलावे पर मैं गई थी, और फडणवीस जी ने मुझसे कहा था कि सब बातें भूलकर अब हम फिर साथ में काम करें, तो मुझे लगता है कि मेरा जो कॉल था, मोदी जी तुझसे बैर नहीं, और मैं मोदी जी के समर्थन में या मोदी जी को दिल से मानती हूँ, तो उनके एक बुलावे पे जब मैंने भाजपा का साथ दिया, तो उसमें विश्वसनीयता तब भी नहीं पता था, जब मुझे बुलाया गया था तब भी नहीं पता था कि सरकार फॉर्म होगी। तो आपका कहना है कि आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने बुलाया? बिल्कुल बुलाया। अच्छा, दूसरा ये कि नरेंद्र मेहता ने दावा किया है कि 2024 में भाजपा के विधायक वही रहने वाले, टिकट उन्हीं को मिलेगा। समय बताएगा, अभी तो आप अमित जी से या देवेंद्र जी से भी पूछेंगे तो वो समय वही ये कहेंगे कि समय बताएगा। ये बहुत जल्दी है इस बात पे चर्चा करने के लिए, 2024 बहुत दूर है। नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आप आज आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की अब जो है तो 19 तारीख को मियाद ख़त्म हो रही है, चुनाव सर पर है, और गुटबाजी एकदम चरम सीमा पर है, दोनों भी मानते हैं कि गुटबाजी है, अगर ये ख़त्म नहीं हुई तो महाविकास अघाड़ी आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगी। हम वरिष्ठों के संज्ञान में ये बात ज़रूर ला के रखेंगे कि इस पे क्या निर्णय लिया जाए, निर्णय उनका ही जो भी होगा, हमें दोनों को मुझे एटलीस्ट मान्य होगा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।